कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। ये देखिए मेरी कुर्ती कैसी लग रही है। इसको मैंने पेंट किया हुआ है ब्लॉक्स के साथ। ये मैंने वीडियो भी डाली हुई है, शायद आपने देखी होगी। और ये होते हैं ब्लॉक्स, इस तरह के लकड़ी के बने होते हैं। और इसके साथ मैंने इसको पेंट किया है। इसके साथ हम कौन से कलर यूज़ करते हैं? ये वाले, इस तरह के फैब्रिक कलर एंड एक्रेलिक कलर, कोई भी दोनों में से यूज़ कर सकते हैं। ये है तो इसके साथ करेंगे पेंटिंग, ये है तो इसके साथ। हम ब्लॉक पेंटिंग भी इसके साथ करते हैं। और जो ब्रश के साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि जब हम पेंट करते हैं, वो भी यही वाले कलर करते हैं, इसी कलर के साथ हम पेंटिंग करते हैं। और एक आपकी बहुत कंप्लेंट आती है मुझे कमेंट्स में, काफ़ी पढ़ने को मिलता है कि हमारे जो कलर हैं फेड हो गए हैं, उतर गए हैं, डल हो गए हैं। मुझे नहीं पता आप किस तरह से यूज़ करते हो या कौन से कलर यूज़ करते हो। अच्छे वाले कलर यूज़ किया करो, फैब्रिक कलर या एक्रेलिक कलर, कोई भी दोनों में से अच्छे वाले यूज़ किया करो। और दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हम पेंट करते हैं, चाहे वो ब्लॉक पेंटिंग करते हैं चाहे वो ब्रश के साथ करते हैं, जब हमने पेंट कर लिया, अपना डिज़ाइन बना लिया, उसको हम छोड़ देंगे 24 घंटे के लिए। छोड़ देंगे मतलब चाहे वो 3 घंटे में सूखे, चाहे वो 2 घंटे में सूखे, गर्मी में जल्दी सूख जाता है, फिर भी हमने उसको रेस्ट देनी है 24 आवर्स। उसके बाद जब हमने पेंट कर लिया, चाहे ब्लॉक पेंटिंग है चाहे हमने ब्रश के साथ डिज़ाइन बनाया है, उस कपड़े को उल्टी साइड से, जैसे ये कपड़ा है, इसको इस साइड से उल्टी साइड से हमने आयरन करना है, प्रेस करना है। ठीक है, अच्छी तरह से प्रेस कर लिया। उसके बाद हमने कुछ दिन तक, 3 से 4 दिन तक हमने कपड़े को वॉश नहीं करना, चाहे वो सूख गया है चाहे वो स्टिच हो चुका है, जैसे भी है हमने इतना टाइम उसको देना है कपड़े को, उसको हमने वॉश नहीं करना। और उसके बाद जब भी हमने वॉश करना है उसको जेंटली सॉफ्ट हाथों से हमने वॉश करना है, उसको ब्रश के साथ ऐसे डिज़ाइन को रगड़ना नहीं है। और जो भी हमने कपड़ा पेंट किया है, ब्लॉक पेंटिंग या ब्रश के साथ जो भी पेंट किया है, कोई भी इस तरह की पेंटिंग की है, उसको हमने मशीन वॉश नहीं करना। और फिर जब हमने वॉश कर लिया कपड़ा, उसके बाद जब फिर से आयरन करना है उसको अपनी अलमीरा में रखने के लिए या पहनने के लिए, तो उसको उल्टी साइड से, कपड़े को उल्टा करके ही हमेशा प्रेस करना है। कभी भी कोई भी कलर फेड नहीं होता और फिनिशिंग को भी कुछ नहीं होता। इसको पेंट किए हुए हो गए 6 से 7 महीने और मैं इसको बहुत बार पहन चुकी हूँ, बहुत बार इसको वॉश कर चुकी हूँ। ना तो इसकी फिनिशिंग कम हुई है, ना कलर डल हुआ है, ना फेड हुआ है, इसको कुछ नहीं हुआ। मैं आज भी इसको ऐसे ही पहन रही हूँ। तो आप भी जब पेंट करते हैं, जितने प्यार से आप पेंट करते हैं उतने प्यार से अगर कपड़ों की केयर करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, कपड़े वैसे ही रहेंगे। तो आज मैं आपको बताऊँगी ब्लॉक पेंटिंग कैसे करते हैं, किस तरह से कितना कपड़े का मार्जिन छोड़ना है साइड से नीचे से। ये होते हैं ब्लॉक्स, लकड़ी के ब्लॉक इस तरह से बने होते हैं। इन ब्लॉक्स को आपने कहीं से भी बाय किया हो, चाहे ऑनलाइन बाय किया हो चाहे हमसे बाय किया हो, पहली बार यूज़ करने से पहले इसको इस तरह से डायरेक्ट यूज़ नहीं करते। इसको यूज़ करने से पहले हमने तैयार करना होता है, इनको किस तरह से करना होता है इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। इन्हें तैयार करने के लिए हमें चाहिए होता है तेल। आप कोई भी तेल ले सकते हो, सरसों का तेल, नारियल का तेल, मैं ले रही हूँ सरसों का तेल। इसको हम डालेंगे प्लेट में और इतना डालेंगे कि इतना कम से कम ब्लॉक उसमें डिप हो जाए, इस तरह से, इस तरह से हम डाल के रखेंगे। और हम 24 घंटे के लिए ब्लॉक को इस तरह से ऑयल में पड़ा रहने देंगे। उसके बाद 24 घंटे के बाद हम इनको निकालेंगे। इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका होगा इस तरह से, कोई ज़्यादा ब्लैक हो जाते हैं, कोई थोड़े डार्क हो जाते हैं, क्योंकि ये ऑयल को ऑब्जर्व कर लेता है। और जब हमने इसको ऑयल से निकाल लेना है, उसके बाद हम इस तरह से कपड़ा लेके इस तरह से इसको साफ़ करके बस यूज़ कर लेना है। किस तरह से यूज़ करना है, कैसे डिज़ाइन बनाएंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। ये लिया है मैंने हार्डबोर्ड, इस पर हम कपड़ा बिछाएंगे। ये कपड़ा मैं ले रही हूँ ब्लॉक पेंटिंग के लिए। जब हम कपड़ा फ्रेम में लगाते हैं तो वो टाइट हो जाता है। इसको हम किस तरह से टाइट करेंगे, इसको हम करेंगे पिंस के साथ। ये वाली पिंस होती हैं, ये ड्राइंग पिन होती हैं, ये स्टेशनरी शॉप से इजीली मिल जाती हैं। इसके साथ हम कपड़े को टाइट करेंगे, अटैच करेंगे। आइए,
कपड़े को इस तरह से खींच के इस तरह से पिन लगानी है, इसमें कोई रिंकल ना रहे। ये लिया है मैंने मेजर टेप। हमने जैसे स्ट्रेट कुर्ती बनानी है तो नीचे से छोड़ेंगे हम 2.5 इंच मार्जिन। ये लगाया मैंने 2.5 इंच पे मार्क, और साइड से हम लेंगे 1.5 इंच इतना। नीचे से लेना है हमने 2.5 इंच, 2.5 इंच। कहाँ तक लेना है? जैसे मैंने घेरा बनाना होता है 20, तो ये नहीं हमने काउंट करना, यहाँ से हमने लेना है 20 इंच यहाँ तक। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। जैसे आपने मेजर टेप से मार्किंग कर ली तो उसके बाद आप स्केल से लगा सकते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है फिर लाइन लगाना। पेंसिल के साथ लगाना है तो इसको लाइट ही चलाइए थोड़ा सा, वैसे एक तो वॉश में निकल जाती है ये। ये मैंने लिया है स्पंज का टुकड़ा और मैं ले रही हूँ पर्पल कलर। कोई भी ड्रेस के हिसाब से कलर लीजिए। ये देखिए मैं ले रही हूँ एक्रेलिक कलर। इस तरह से हमने कलर फैला लेना है। जब हम ब्रश के साथ पेंटिंग करते हैं तो थोड़ा सा जो कलर है कम लगता है, लेकिन जब हम ब्लॉक्स के साथ करते हैं तो थोड़ा सा कलर ज़्यादा लगता है। अगर आपने पेंट करना ही है तो कलर में कंजूसी नहीं करना फिर। ये पेंटिंग है भी थोड़ी आसान अगर आपको ब्रश के साथ मुश्किल लगती है। और इसका बड़ा फायदा ये है कि सारा डिज़ाइन एक जैसे बन जाता है। और ब्लॉक्स का फायदा ये है कि ब्लॉक्स को हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने ये वाला सूट अपना बना लिया, उसके बाद अपनी सिस्टर का, अपनी मम्मा का सूट बना सकते हैं उसी डिज़ाइन से। इस तरह से हमने कलर लगाना है, इस तरह से, इसीलिए मैं नीचे कलर डाल रही थी। लग गया? इस तरह से ब्लॉक टिकाना है, जहाँ पे एक बार रख दिया फिर हिलाना नहीं है। और इस तरह से इसको उठा लेना है। इसके बिल्कुल साथ हमने इस तरह से ध्यान से ब्लॉक को अटैच करना है और आराम से इस तरह से रख देना है। और इस तरह से ब्लॉक उठा लेना है, ठीक है? ये देखिए डिज़ाइन के साथ डिज़ाइन बनके इस तरह का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। ये ब्लॉक्स इसी तरह से बने होते हैं, जैसे यहाँ हाफ डिज़ाइन है, इधर हाफ है, बीच में पूरा है, तो ये डिज़ाइन कंप्लीट होता जाएगा। ध्यान रखना है, अगर आपने ये वाला हिस्सा आप इधर ला रहे हो तो यही वाला इधर आएगा। इसको इस तरह से नहीं घुमाना बाद में। जिस तरह से ब्लॉक्स स्टार्ट कर दिए लगाने, उसी तरह से लगाते जाना है। जब भी हम ब्लॉक लगाते हैं, हर ब्लॉक लगाने से पहले हमने कलर इसी तरह से लगाना है। ये देखिए फिर से यहाँ पे डिज़ाइन के साथ डिज़ाइन को मैच करना है, आराम से इसको रख देना है। लेकिन जब आपने रख दिया फिर इसको हिलाना नहीं है। अगर थोड़ा इधर उधर भी रखा गया तो भी नहीं हिलाना है, और इस तरह से इसको उठा लेना है। इस तरह से डिज़ाइन को प्यार से मैच करना है, धीरे से ब्लॉक को रखना है। इस तरह से उठा लेना है। फिर से हम ब्लॉक को कलर लगाएंगे, हर बार कलर लगाएंगे। जब भी ब्लॉक कपड़े पे लगाएंगे तो हर बार इसको कलर लगा के ही लगाएंगे। है ना इजी इसको बनाना? बस ये ध्यान रखना है कि जिस साइड से आप ब्लॉक्स यूज कर रहे हो उसी साइड से ही करने हैं। ये मैं ब्लॉक लगाऊंगी तो 20 इंच के ऊपर घेरा जा रहा है, तो मैं क्या करूंगी, इसको आधा ब्लॉक लगाना है मैंने, तो मैं लूंगी एक पेपर
इतने तक मेरा घेरा पूरा हो रहा है, तो मैं इस तरह से रख के इसको उठा लूँगी। तो मेरा ये घेरा पूरा हो गया है। अब मैंने लेना है दूसरा कलर, तो इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। वॉश भी कर सकते हैं आप उठना चाहें तो, मैं नहीं चाह रही तो मैं इसी तरह से साफ़ कर रही हूँ इसको। स्पंज अलग से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यही वाली यूज़ करूँगी क्योंकि बहुत बड़ी थी, हाफ़ मैंने यूज़ की है। तो अभी इधर वाला हिस्सा है जो, वो मैं यूज़ कर रही हूँ दूसरे कलर के साथ। ऑरेंज कलर ले रही हूँ, ये ले रही हूँ मैं फैब्रिक कलर। पहले मैंने लिया था एक्रेलिक कलर, यही पेंटिंग में यूज़ होते हैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। अभी स्पंज में हम डाल रहे हैं कलर सारा अंदर तक, फिर ब्लॉक थोड़ा थोड़ा लेता रहेगा। जब भी हम ब्लॉक लगाएंगे फिर कलर लगाएंगे। स्टार्ट करते हैं सेकंड ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक ले रही हूँ मैं। उसी तरह से हमने ऐसे ब्लॉक के साथ कलर लगाना है। अभी बिल्कुल उसके ऊपर लगा रही हूँ मैं, उसके निशान के हिसाब से। आप इसकी भी मार्किंग कर लीजिए पहले, अच्छा रहेगा। इस तरह से ब्लॉक लगाया, इस तरह से हम उठा लेंगे। अभी जो बात मैंने पहले बताई थी कि यहाँ ऐसे कलर लगाया है, तो इसी तरह से हम लगाएंगे इसको, इस तरह से नहीं लगाएंगे, नहीं तो वो फिर डिज़ाइन के साथ डिज़ाइन नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ब्लॉक्स इसी तरह से बने होते हैं कि हम इनको ऐसे ही यूज़ कर सकें। इस तरह से रख दिया। कंप्लीट हो गए ना बॉक्स। किसी भी डिजाइन के साथ अपने सूट का बॉर्डर डिजाइन कर सकते हो। अगर सेम इन्हीं के साथ करना है तो ये वाले भी आप कॉन्टैक्ट करके बाय कर सकते हो, सेम डिज़ाइन भी, ये वाले ब्लॉक्स भी। अगर डिफरेंट चाहते हो, डिफरेंट के साथ बनाना है तो भी आप कर सकते हो भाई, जो नंबर आ रहा है स्क्रीन पे उस पर मैसेज करके। अभी देखिए ये जो ब्लॉक है, अगर मैं लगाऊंगी तो इस डिज़ाइन के आगे चला जाएगा ये, तो मैं क्या करूँगी, फिर से पेपर लूँगी, ठीक है, मैंने यहाँ तक लगाना है, तो इस तरह से ब्लॉक्स रख दिया, ब्लॉक को रख दिया। और डिज़ाइन ऐसे बन गया। अभी इस डिज़ाइन को मैं रिपीट कर रही हूँ, मैं आपको, आप बोलते हो ना कि हमें पूरा आइडिया दे दिया करो कि किस तरह से हम डिज़ाइन बना सकते हैं, वैसे तो मैं आपको सिखाने के लिए इस कपड़े पे बना रही हूँ।
ये हो गया हमारा बॉर्डर रेडी, ठीक है। ये वाला ब्लॉक ले रही हूँ, मैं आपको सिखाने के लिए बना रही हूँ, तो कहीं कहीं भी मैं मार्किंग नहीं कर रही, आपने मार्किंग करनी है प्रॉपर। इसको मेजर करना है कितने ब्लॉक लगेंगे, 3 के 4, उसको प्रॉपर वे में कीजिएगा। यहाँ से कितना नीचे से जगह छोड़नी है वो भी आपने लाइन लगानी है। मैं हाथ की 4 उंगलियां ऐसे ले रही हूँ, उसके गैप से बना रही हूँ, एक आइडिया ले रही हूँ। अगर आपने प्रॉपर ड्रेस रेडी करनी है तो मार्किंग करके ही करनी है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। चाहो ना चाहो थोड़ा बहुत फ़र्क बन ही जाता है इसमें। आपने बोला था पूरा डिज़ाइन बनाया करो, इसीलिए मैं आपको पूरा डिज़ाइन बना के दिखा रही हूँ, नहीं तो मैं एक एक ब्लॉक लगा के भी आपको बता सकती थी। जैसे ये वाला डिज़ाइन है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो जितना गैप हमने नीचे से छोड़ा है उससे ऊपर उतना गैप छोड़ के यहाँ पे हम ब्लॉक लगाएंगे, इसके बीच बीच में लगाएंगे, फिर उसके ऊपर बिल्कुल इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे। इस तरह से हम अपने पूरे पूरे फ्रंट को भर लेंगे, अपने जो सूट को पूरा पेंट कर लेंगे ब्लॉक्स के साथ। आप भी कीजिए ब्लॉक्स के साथ ट्राई, बहुत ईजी है और देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। तो किस तरह की लगी आपको आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे सबके साथ शेयर भी कीजिए। आप भी अगर ब्लॉक्स के साथ पेंटिंग करना चाहते हैं तो ब्लॉक्स को बाय करने के लिए जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस नंबर पे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करके आप ये ब्लॉक्स बाय कर सकते हैं। नंबर है 9464135155 पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके जो भी आपको डिज़ाइन पसंद आते हैं आप ब्लॉक्स ले सकते हैं। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में आपको, तब तक के लिए थैंक यू।